बुधवार रात करीब 8:15 बजे पिस्तौल की नोक पर चौधरी बास पेट्रोल पंप में मैनेजर से 2,65,000 रुपए लूटने की वारदात हुई। बदमाशों ने अपने सर पर हेलमेट लगा रखा था, इसकी वजह से सीसीटीवी कैमरे में उनका चेहरा कैद नहीं हुआ, लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पेट्रोल पंपों पर आए दिन हो रही वारदातों व आरोपियों के न पकड़े जाने पर गहरा रोष जताया है। एसोसिएशन ने इन घटनाओं के विरोध में 11 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तेल की बिक्री न करके हड़ताल करने का निर्णय लिया है। साथ ही एसोसिएशन ने गत रात्रि चौधरी बास में पेट्रोल पंप पर पिस्तौल की नोक पर हुई 2,65,000 की लूट की वारदात को लेकर एसोसिएशन में काफी रोष है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि 13 अगस्त तक अगर लूटपाट करने वाले अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो 14 अगस्त को 24 घंटे की हड़ताल की जाएगी। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पेट्रोल पंपों पर आए दिन हो रही वारदातों व आरोपियों के न पकड़े जाने पर गहरा रोष जताया है। एसोसिएशन ने इन घटनाओं के विरोध में 11 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तेल की बिक्री न करके हड़ताल करने का निर्णय लिया है। गत रात्रि चौधरी बास में पेट्रोल पंप पर पिस्तौल की नोक पर हुई 2,65,000 की लूट की वारदात को लेकर एसोसिएशन में काफी रोष है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि 13 अगस्त तक अगर लूटपाट करने वाले अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो 14 अगस्त को 24 घंटे की हड़ताल की जाएगी। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि अगर ऐसे ही बदमाश लूटपाट की घटनाएं करते रहे तो उन्हें रात को अपना पेट्रोल पंप बंद करना पड़ेगा। इसके लिए सीधे सीधे हिसार पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। हिसार से मंजू पूनिया की विशेष रिपोर्ट।